जय सर, मैं सुबेदार सदीशन डिफेंस सर्विस कोर सेंटर कन्नूर से ताल्लुक रखता हूँ। सर, केरला में आप सबको पता ही बार बार अच्छा इसी तरह से आते रहता है, इसीलिए हमने प्रायरली इधर का रखी और पूरा रूट करके रखा था। तो जैसे ही अच्छा हुआ था 30 तारीख को अर्ली मॉर्निंग, मेरे को मेरा कमांडिंग ऑफिसर ने आदेश दिया कि ऐसी वायनाड में प्रॉब्लम हुआ है तो इमीडिएटली पार्टी को मूव करना है। तो हमने इमीडिएटली टाइम पर पार्टी को मूव किया सर, टाइम पर इधर पहुंच गया, अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया सर, टाइम पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करके 1000+ जनताओं का हम सिर्फ पार करके लेके आए सर। नमस्कार सर, नाइसवर अनिल कुमार, 122 इन्फेंट्री बटालियन टी एम एड्रास वेस्ट हिल। हमने जिस दिन फ्लड हुआ था उस दिन सुबह हमारे को आदेश मिल गया, हमने जल्दी से जल्दी यहाँ पर पहुँच गया। आते हुए रास्ते पे अपना जो क्लासमेट यहाँ पर, तो मैं यहाँ का लोकल था, यहाँ पर तो क्लासमेट से टाइप करके हम लोग यहाँ पहुँच गया। उसके बाद हम लोग ये यहाँ पर एक कॉलम, छोटा कॉलम के यहाँ रखे पर मैंने कुछ जवान को ऊपर लेकर गया था, वहाँ से फिर मुंडक कई क्रॉस करके वहाँ से 150 आदमी को उसी टाइम तो क्रॉस किया था। तभी तो ये बुजर पार्टी और जो कैशुअल्टी हुआ था वो डेडबॉडी वगैरह उसी दिन निकाल के रेवेन्यू डिपार्टमेंट टाइप कर दिया। जैन सर, नायब सुबेदार सदीश सिंह, DAC सेंटर कन्नूर। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर ब्रिज नहीं था, तो हमने ब्रिज इसको पार करने का ऑप्शन ढूंढा। पहले हम ऊपर की तरफ गए, ह्यूमन चेन का सहारा लिया, लेकिन ह्यूमन चेन से भी बात नहीं बनी। तो उसके बाद हमें रॉप के सहारे पल्ली पार गए और उसके बाद देखा कि वहाँ से किसी प्रकार उसमें ब्रिज बनाया जा सकता है, टेम्परेरी ब्रिज। तो हमने एक लकड़ी का सहारा लेते हुए टेम्परेरी ब्रिज बनाया और साथ में साथियों ने मदद किया और DAC सेंटर सब ने टेम्परेरी ब्रिज बनाया और तकरीबन 1000 के अबव पीपलों को क्रॉस कराया इससे। सर नमस्कार साहब, मैं नायब सुबेदार BSG रेड्डी, 2 मद्रास। हम 91 ब्रिगेड से जैसे वायनाड का लैंडस्लाइड की आदेश मिलने पर यहाँ पर आए थे, यहाँ पे ऑपरेशन में शामिल था। अभी भी लगातार हमारा हेली ऑप्स का भी जारी है, मुंडा रिफॉर्म और जहाँ पर इस सूजीपारा इलाका का अंदर जहाँ पर आइलैंड है वहाँ पर हम रेस्क्यू की कार्रवाई यानी कि बॉडी का रिकवरी कार्रवाई भी जारी रखा है साहब। अभी राम साहब, हवलदार जगदीश मेटे, 23 मराठा, 91 ब्रिगेड। साहब, हम 31 तारीख को आने के बाद 3 तारीख को सूजीपारा वाटरफॉल में हम 3 सिविलियन को रेस्क्यू करने का टास्क मिला था। वहाँ पे हमने मुश्किल हालात में रोप को फिक्स करते हुए 1 सिविलियन को बचाया और 2 सिविलियन को हेली की मदद से ये कर दिया। और अभी तक हम सूजीपारा वाटरफॉल से मुंदरी फार्म तक का सर्च ऑपरेशन जारी है सब। मैं सुधार कुबेंद्रन, इमीजन सेंटर का, मद्रास इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर का एक पार्ट है। हमको 31 का इधर पहुंचा था, तुरंत इधर बहुत कंजस्टेड था, तुरंत पीछे लोकल सपोर्ट का लेके इधर ब्रिज का थ्रू किया और जनता का मूवमेंट के लिए बहुत दिक्कत हुआ था। उसके बाद साथ साथ में 100 फीट का फुट ब्रिज भी लगाया। उसके बाद पूरा लगाने के बाद ये अभी मूवमेंट व्हीकल और मिन का मूवमेंट अच्छा हो रहा है।